Welcome student in your English class. In my last video, I explained to you the story of this chapter, Gopal and the Hilsa Fish, from our 7th class NCERT book, Honeycomb. Today, I am going to explain its question answer. So, let's start. Now, our first question is, why did the king want no more talk about the Hilsa Fish? Want चाहना, talk means बातें. If you read the chapter, आपने अगर read किया है, तो आपको story अच्छे से clear है. Because it is the time for Hilsa Fish. ये जो season था, Hilsa Fish का season था, और हर कोई जो है वो Hilsa Fish के बारे में talk कर रहा था. तो but king नहीं चाहता था. Why? So our answer is the king wanted no more talk about the Hilsa Fish because he had become fed up of it. Fed up means bore ho jana. Usse bahut fed up ho gaye the wo. Pareshan ho gaye the, bore ho gaye the sab jagah se Hilsa Fish ke bare mein talk karke. Even the courtier, court mein bhi jo courtier hai, wo bhi Hilsa Fish ke bare mein baat kar rahe the. Okay? Now the second question is, what did the king ask Gopal to do be proof that he was clever? जो king है वो fed up हो गए थे तो उन्होंने कहा कि गोपाल भी जो है वो किसी को stop नहीं कर सकता Hilsa Fish के बारे में talk करने के लिए. तो king ने गोपाल से क्या कहा कि वो क्या करने के लिए कहा जिससे कि वो प्रूफ हो कि वो बहुत क्लेवर है. गोपाल जी, गोपाल जो है वो भी एक कोर्टियर था किंग की कोर्ट में. सो देखते हैं कि गोपाल किंग ने गोपाल को क्या कहा. द किंग आस्क्ड गोपाल, किंग ने गोपाल से कहा टू बाय एंड ब्रिंग मतलब खरीद कर भी लानी है, खरीदनी भी है और उसे लेकर भी आना है. ब्रिंग मीन्स होता है लाना. अ Hilsa Fish टू द पैलेस. लिसन स्टूडेंट, इस स्पेलिंग को अच्छे से देखना. पैलेस है ये, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, बच्चे रॉन्ग कर देते हैं. प्लेस नहीं है ये, पैलेस है. पी ए एल ए सी ई, पैलेस मीन्स महल में. तो किंग ने गोपाल को कहा कि उसे एक Hilsa Fish खरीदनी है और उस Hilsa Fish को पैलेस में भी लेकर आना है विदाउट एनी वन आस्किंग हिम अ वर्ड अबाउट द फिश. और रास्ते में जब वो Hilsa Fish खरीद कर महल में पैलेस में आएगा तो रास्ते में उस Hilsa Fish के बारे में उससे कोई भी ना पूछे. तो ये चैलेंज जो है वो किंग ने गोपाल को दिया. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर He went to buy his Hilsa Fish. तो गोपाल ने जो है Hilsa Fish खरीदने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या क्या किया उसने, क्या तीन चीजें उसने की. सो आवर आंसर इज गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड. बियर्ड दाढ़ी को बोलते हैं, बट उसने अपनी दाढ़ी को फुल शेव नहीं किया, हाफ शेव किया, अपनी आधी दाढ़ी को शेव किया. Smeared ash on his face. Smear, पोतना, लीपना. Ash means राख. अपने फेस पर उसने राख जो है वो लीप लिया, पोत ली. And wore dirty clothes. Wore means this is a second form of wear. Wear means पहनना. और बहुत ही गंदे से dirty clothes उसने पहन लिए, rags, फटे पुराने जो कपड़े थे. Before he went to buy the Hilsa Fish. Hilsa Fish खरीदने से पहले उसने तीन चीजें की. एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को. थ्री थिंग्स कौन कौन सी थी? हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी को हाफ शेव किया. स्मियर एश ऑन हिज फेस, अपने फेस पर जो है वो राख जो है वो पोतली. एंड फोर डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ बहुत भद्दे से कपड़े पहन लिए. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस. यस, अब आपने इस वर्ड को अच्छे से देख लिया है, अब आप मिस्टेक नहीं करोगे. पैलेस मीन्स या महल. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर
He had bought the fish. जब गोपाल ने फिश खरीद ली तो वो महल में अंदर कैसे गया? किंग के पास। सो उसने क्या किया? आपको स्टोरी याद होगी अच्छे से, तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। गोपाल स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। जब गोपाल वहां पहुंचा तो जो दरबारी थे उन्होंने गोपाल को एंट्री नहीं करने दी। तो उसके बाद गोपाल ने क्या किया? उसने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया लाउडली, डांसिंग करना स्टार्ट कर दिया महल के सामने, इन फ्रंट ऑफ मींस सामने। ऑन हियरिंग द नॉइस, और ये नॉइस सुनकर द किंग सेंट हिज मैसेंजर्स टू कॉल हिम इन। तो किंग, ये शोर सुनकर किंग ने अपने मैसेंजर्स को बाहर भेजा उस आदमी को अंदर बुलाने के लिए। तो इस तरह से गोपाल ने पैलेस में एंट्री कर ली। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश व्हिच गोपाल हैड बॉट। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हिल्सा फिश गोपाल खरीद कर लाया था, बॉट मीन्स खरीदना, उस हिल्सा फिश के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं था बात करने के बारे में? किसी ने भी, जब गोपाल उस हिल्सा फिश को मार्केट से लेकर पैलेस तक लेकर आया, तो किसी ने भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, जबकि सीजन किसका था? हिल्सा फिश का था। तो हमें बताना है कि क्यों हुआ ऐसा। नाउ द आंसर इज, गोपाल लुक्ड कॉमिकल, कॉमिकल बहुत मजाकिया सा दिखना, फनी दिखना बहुत ज्यादा, ठीक है। गोपाल लुक्ड कॉमिकल, बहुत ही फनी दिख रहा था, कॉमिकल दिख रहा था, कार्टून जैसा दिख रहा था। एंड बिकॉज ऑफ हिज फनी लुक्स, और उसकी जो लुक्स थी, जो दिख रहा था, वो बहुत ही फनी था। क्या क्या चीजें रखी थी उसने? हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में की है वो सारी चीजें जो जो उसने कर रखा था। तो उसकी उन्हीं तीन चीजों की वजह से वो कैसा दिख रहा था? बहुत फनी दिख रहा था। तो बहुत फनी दिख रहा था तो किसी का हिल्सा फिश की तरह ध्यान ही नहीं गया, इसीलिए किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की। सो एक बार आंसर मैं फिर से रीड कर रही हूँ। गोपाल लुक्ड कॉमिकल एंड बिकॉज ऑफ हिज फनी लुक्स नो वन सॉ हिल्सा फिश इन हिज हैंड। किसी ने हिल्सा फिश को देखा ही नहीं उसके हाथ में, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। सो स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इनको अब इजीली अच्छे से लर्न कर सकते हो, बहुत आराम से आपको इजीली ये लर्न हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।